केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजे खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। कोयलांचल में तेज रफ्तार हाईवा का कहर, फिर ली एक की जान, दो की हालत नाजुक। शुक्रवार को झरिया के इंदिरा चौक के पास दोपहर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। घटना में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि बाइक सवार व्यक्ति और उसकी पुत्री गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बाइक सवार पति पत्नी व उनकी पुत्री को एक तेज रफ्तार हाईवा ने अपनी चपेट में लिया, जिससे बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति व बेटी को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH धनबाद भेज दिया गया। बाइक सवार दंपति धनबाद स्थित कर्माटांड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने की तोड़फोड़। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ भी की। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को भी स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने शव को उठाने आई गाड़ी को लौटा दिया व घटना स्थल से शव को नहीं उठाने दिया। बाद में पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजकर सड़क जाम हटवाया। आपको बताते चलें कि मृतक व घायल व्यक्ति शादी समारोह से आ रहे थे। चंदन क्यारी के शादी समारोह में वह गए थे और अपने घर धनबाद कर्माटांड लौट रहे थे। इसी बीच झरिया में दुर्घटना हादसा के शिकार हो गए। ताज़ा और एक्सक्लूसिव समाचार के लिए KCN TV 24/7 को करें सब्सक्राइब। देखिए, इस पे हम लोगों का ये कहना है कि ऐसी दुर्घटनाएं ये पहली दफ़ा हुई नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि हर महीने ये पूरे जो 2 किलोमीटर का रेडियस है हम लोगों का, RSP कॉलेज के थोड़ा आगे से ले लीजिए और जेंदुआ वाली सड़क में आप सिंह नगर को ले लीजिए और इस तरफ से हम लोगों का ये हनुमानगढ़ी तक का इलाका को ले लीजिए, तो इस रेडियस में हर महीने कहीं ना कहीं दुर्घटनाएँ हो रही हैं। पुलिस और प्रशासन का काम सिर्फ यही रह गया है कि बॉडी उठाए, बॉडी का पोस्टमार्टम कराए और सरकारी मुआवजे उस परिवार को दिलाए। हम लोग आगे से ये एक्सीडेंट नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन किसी ने कभी भी कोई प्रयास नहीं किया है। हम लोग इस विषय में हर एक्सीडेंट के बाद बोलते हैं कि कम से कम आप जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल की चेकिंग करते हैं, हेलमेट की, कभी हाईवा की भी चेकिंग कीजिए कि चलाने वाला जो ड्राइवर है उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं, गाड़ी उनकी उस स्तर की है कि नहीं कि रोड पे चल सके। इन सारी चीज़ों को लेकर कभी भी कोई प्रशासन इनिशिएटिव नहीं लेती है। हम लोग लगातार बोलते हैं कि ठीक है, बड़ी वाहनें हैं, कोलियरी क्षेत्र है, चलेंगे, तो जगह जगह ब्रेकर बनाए जाए ना, जो एक्सीडेंट वाले जगह है, जो भीड़ भाड़ वाले जगह है, यहाँ ये हाईवा आराम से चले, इसको लेके कोई प्रयास होगा जिला प्रशासन का किसी का भी? लाख बार हम लोग मांग कर चुके हैं, हर एक्सीडेंट के बाद मांग करते हैं, लेकिन इस ओर कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हम लोगों का यही मांग है कि इस पे हाईवा आगे से परिचालन प्रशासन तब कराए जब हाईवा आराम से चले, इसकी व्यवस्था कराए, ब्रेकर का निर्माण कराए, गाड़ियों की प्रॉपर चेकिंग कर ले, ड्राइवरों की चेकिंग कर ले कि उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, वरना ऐसे ही प्रशासन हम लोगों की बॉडी, हमारे घर परिवार के सभी लोगों का जब भी दुर्घटना होगा उठाएगी, ले जाएगी, पोस्टमार्टम कराएगी, एक केक का टुकड़ा लाके परिवार वाले को 1-2 लाख दे के कहानी खत्म। आगे से लोगों की जान नहीं जाए इस पे सबसे पहले काम करने की जरूरत है, जो इस ओर लाख बोलने के बाद भी जिला प्रशासन का कोई इनिशिएटिव नहीं है। हम लोग यही मांग करते हैं कि आगे से हाईवा चले लेकिन लोगों की जान बचे, इसके उपाय करने के बाद चले। जाने की आवाज में मेरे को हाईवा का चपेट में, ताकि मान लीजिए वो जो हमारा मोटरसाइकिल आगे था पीछे से हाईवा मार दिया, ये तो बहुत ही मतलब काफी में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मोटरसाइकिल में थे आपका? बोलो। मेरा जीजा जी था, तो मैं जी था, दोनों मेरा हीरू गौरव, हीरू हीरू गौरव मांझी, एक लक्ष्मी कुमारी, एक संतोषी कुमारी। संतोषी 18 साल की बनी हुई थी, अभी बैठ ली थी वो। लक्ष्मी कैसे चल कर रही थी?
क्या कंडीशन है, जिया जी का क्या हाल? पता नहीं, वो दोनों हॉस्पिटल में दोनों महिला डेथ कर गई है जो साथ में जो उनकी भांजी भांजी संतोष से डेथ कर गई है, ठीक है, दूसरी हॉस्पिटल में। हेलो, आपको क्या मांग? देखिए मांग क्या करेंगे, जो मांग ये हो बढ़िया हो, गरीब का जो भी उत्थान हो, एक जान चलेगी, जान चलेगी। और मान लीजिए क्या रहा, पैसा से तो भरपाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सिस्टम है सरकार का, आपका योगी का होना चाहिए। मेरा नाम है बंशीधर ठाकुर, हम भूमि का ही, मेरा घर का ही सामने का, शादी में जा रहे थे, मानपुर जा रहे थे लोग। कहाँ? टमाटर जा रहा है, शादी घर से घर जा रहा था, मानपुर ये लोग। आज के लिए बस इतना।